आज की हमारी इस क्लास में हम बात करेंगे सिलेक्शन मेथड, कैसे हम डेटा को सिलेक्ट करें, ये आज की हमारी टॉपिक है। और रामजी पांडे जी और संजय कुलकर्णी जी, मैंने रिकॉर्डिंग की परमिशन दे दी है, आप रिकॉर्ड शुरू कर लें अल्ट प्लस आर प्रेस करके। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम बात करेंगे प्रोफेशनली एक्सेल यूज की, तो सबसे पहले बात करते हैं डेटा सिलेक्शन की। अब डेटा सिलेक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। एक्सेल के अंदर में आप कुछ भी करते हैं, एनीथिंग, तो आपको सिलेक्शन की जरूरत पड़ती है, नीड टू सिलेक्शन। अगर आप एक्सेल में कुछ भी करना चाहते हैं, पिवट हो, फिल्टर हो, कॉपी पेस्ट हो, एनीथिंग, जब तक डेटा सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक वो नहीं होगा। तो डेटा की सिलेक्शन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जरूरी है। तो चलिए डेटा को सिलेक्ट, आपके सामने डेटा कैसे सिलेक्ट करें। अगर माउस से सिलेक्शन की बात करें तो जनरली वो क्या करते हैं, इस पे सिलेक्ट करके क्लिक करते हुए, ड्रैग करेंगे उसको, लेकिन डेटा या फिर बड़ा कंट्रोल हो ए भी बीच में कहीं भी रख। तो नहीं, मैं एक एक करके बता रहा हूँ, आप देखते जाइए, ठीक है ना। फिर आप पूछूंगा, क्लिक करते हुए नीचे की तरफ आएंगे, लेकिन क्या है कि अगर डेटा बड़ा हुआ, 1000, 2000, 10, 20, 50 हजार हुआ, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इस तरह से। तो उसका एक तरीका है कि आप डेटा के स्टार्टिंग पोजीशन पे क्लिक करें, शिफ्ट को प्रेस करें और लास्ट वाले पोजीशन पे क्लिक करें, हो गया सिलेक्ट। स्टार्टिंग वाले पे यस सर। शिफ्ट को प्रेस करें और लास्ट वाले पे क्लिक करें, या लास्ट वाले पे क्लिक करें शिफ्ट के साथ फर्स्ट वाले पे क्लिक करें, डेटा आपका सिलेक्शन होगा। करने का मतलब कि आपने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है और आपने यहाँ नॉर्मल क्लिक करोगे तो कर्सर मूव हो जाएगा, लेकिन अगर आप शिफ्ट के साथ क्लिक करोगे तो ऊपर का पूरा एरिया सिलेक्ट करते हुए आ जाएगा, राइट। बिल्कुल अगर कीबोर्ड से सिलेक्शन करते हैं तो इसके लिए दो चीजें हैं। उससे पहले आपको जानिए कर्सर को कैसे डायरेक्ट मूव करें। जैसे मुझे नीचे यहाँ पे आना है, तो आप एरो की को लेके एक एक करके नीचे आएंगे तो टाइम लगेगा, तो आप कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस कर सकते हैं, आगे नीचे, राइट अप लेफ्ट, तो ये कंटिन्यूस मूव करता है, सीक्वेंस सीरीज के अकॉर्डिंग चलता है। मतलब कि जितना फिल डेटा है, मतलब फिल सीरीज है, वो एक स्टार्टिंग में करेंगे जहां तक फिल सीरीज है वहां पे चला जाएगा, फिर ब्लैंक, अब मैं करूंगा जहां तक ब्लैंक है वहां तक चला जाएगा। तो ब्लैंक और फिल को एक साथ लेके चलता है, जहां सीरीज ब्रेक होती है, चाहे ब्लैंक की हो या फिल की हो, वहां पे जाके आपका कर्सर रुक जाता है, राइट सर। जी सर। लेकिन इस कर्सर को लेके, मान लो इसके साथ सिलेक्शन भी चाहिए मुझे, तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ हम राइट एंड डाउन करेंगे तो डेटा सिलेक्ट होगा। इसका यूज कब करेंगे, जैसे कि आपने बताया कि मैं कंट्रोल ए भी कर सकता हूँ, तो कंट्रोल ए क्या है, करेंट रीजन होता है। यहाँ फाइंड एंड सिलेक्ट में गो टू स्पेशल पे जाते हैं ना, तो यहां पे आता है करेंट रीजन, इसको ट्रिगर करता है। अब इसकी माइनस पॉइंट, दो माइनस पॉइंट है। पहला कि कोई रो बिल्कुल ब्लैंक हुआ तो कंट्रोल ए करने पे उस ब्लैंक रो के ऊपर ही सिलेक्ट करेगा, या फिर पूरी की पूरी कॉलम ब्लैंक हुई तो फिर वो उससे पहले करेगा, उसके बाद में नहीं करेगा। लेकिन अगर यहाँ भी पूरी की पूरी ब्लैंक रो एंड कॉलम की बात हो रही है, अगर बीच कहीं भी है तो फिर वो डेटा सेलेक्ट कर लेगा, वो एक जगह भी है। अब यही एक प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पे मेरे पास कुछ फालतू के कॉलम डले हुए हैं, अब मैं यहाँ पे कंट्रोल ए करता हूँ तो उसको भी सिलेक्ट कर लेता है, राइट। यस सर। यहाँ पे हम कंट्रोल शिफ्ट के साथ राइट एरो एंड डाउन एरो का इस्तेमाल करेंगे इस तरह से। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर बीच में कहीं ब्लैंक हुआ सेल, तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा डेटा। कहीं पे ब्लैंक हुआ तो सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि तो जैसे ब्लैंक मिलेगा वहां पे रुक जाएगा। अब एक प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि यहाँ पे मैं डेटा को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ,
किया, फिर मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ डाउन एरो चला गया, फिर पेस्ट किया, डाउन एरो चला गया, फिर पेस्ट किया, डाउन एरो चला गया, फिर पेस्ट किया, एक थोड़ा सा डेटा को बड़ा कर दिया। अब क्या है कि इस डेटा में कहीं कहीं पे हमारा ब्लैंक है, तो सिलेक्शन थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, मुश्किल हो रहा है सर, क्या करें। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ए 65,000 पे जाते हैं, सबसे आगे नीचे, फिर यहाँ कंट्रोल के साथ अप एरो का इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल के साथ अप एरो, आ गया सर, याद गया जी सर। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और शिफ्ट के साथ होम पे क्लिक कर देते हैं, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट के साथ, हमने बोला कंट्रोल शिफ्ट के साथ होम पे क्लिक कर देंगे, पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा, हो गया जी सर। आपको स्क्रॉल करके नीचे जाने की जरूरत नहीं, नहीं है, एक बार दो की में आप जो है लास्ट डेटा पे पहुंच गए, क्लियर है सर, संजय सर आपको समझ गया। अब बात करते हैं मल्टी सेल सिलेक्शन, मतलब कि मुझे इस अपने इस डेटा में कुछ कुछ एरिया को सिलेक्ट करना है, तो कंट्रोल को प्रे होल्ड रखिए और जहां सिलेक्शन करना है वहां पे सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल को होल्ड करते हुए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस तरह की सिलेक्शन फॉर्मेटिंग और बाकी चीजों के लिए कर सकते हो, कॉपी के लिए नहीं, क्योंकि जैसे इसको कॉपी नहीं कर सकते आप, तो कॉपी के लिए कैसे करें, तो सीक्वेंस होना चाहिए, जैसे कि हमने ए लिया, डी लिया, एफ लिया, एच लिया, अब मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ, क्योंकि सबके एक ही रो सिलेक्ट है, मल्टीपल कॉलम है बट रो एक है, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे ए से बी सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे ई से एफ सिलेक्ट कर लिया, और नीचे जस्ट मैंने ए से बी सिलेक्ट किया, अब मैं कॉपी नहीं कर, क्योंकि ऊपर जो है चार कॉलम सेलेक्ट है, तो नीचे वाले रो पे भी चार कॉलम सेलेक्ट होने चाहिए और सेम कॉलम, तब कॉपी कर सकते हैं, ठीक है ओके। अगर मान लीजिए कि आपने ए से फाइव ले लिया यहाँ पे और डी से फाइव भी ले लिया आपने और सी एफ का जस्ट एक ले लिया, एफ ले वन ले लिया, अब कॉपी, क्योंकि एफ पे भी फाइव होना चाहिए, ठीक है सर जी सर, आप कॉपी कर सकते हैं। तो कॉपी में इसका ध्यान आप एक बार रखेंगे कॉपी करते समय, ठीक है जी सर, क्लियर है, कोई डाउट इसमें, आप अलग अलग यहाँ पे आप अलग अलग सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया अलग अलग, लेकिन जब कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो इकट्ठा ही पेस्ट होता है, अगर यहाँ भी अलग अलग पेस्ट करना होगा तो सर नहीं होगा, वन बाय वन करना, ठीक है सर। अब बात करते हैं मल्टी शीट सिलेक्ट, एक साथ कई सारे शीट अगर सिलेक्ट करना हो तो कैसे होगा, तो पहले शीट को क्लिक कीजिए, शिफ्ट के साथ इसको क्लिक कीजिए, अब आपका सारा शीट सिलेक्ट हो सकता, हो गया, मान लीजिए मुझे एक साथ कई सारे शीट को डिलीट करना है तो शिफ्ट के साथ जिस शीट को डिलीट नहीं करना उसके बाद के शीट को सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते, लेकिन कंटिन्यूअस सिलेक्ट मुझे मान लीजिए कि सीट फोर, सीट फाइव एंड सीट टू को करना है, तो वहां पे हम शिफ्ट को प्रेस नहीं करेंगे, वहां पे हम कंट्रोल को प्रेस करेंगे, ठीक है। और यहाँ एक बेनिफिट और भी होता है इसमें, जैसे कि मैंने सारे शीट को सिलेक्ट कर लिया, अब मैं कुछ भी करूंगा हर शीट पे होगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डेट और आज का डेट दे दिया, अब देखिए सीट टू पे भी सेम आया, सीट थ्री पे भी, हर सीट के सेम लोकेशन में आप देखिए यहाँ पे, ठीक है जी सर, तो डाउट इसमें
अच्छा सर, मान लीजिए कि पांचों सीट पे कुछ डेटा लिखे हैं और सब पर्टिकुलर कुछ सेल में ही लिखे हैं, उनको एक साथ कॉपी करना हो तो अलग अलग आप सीट पे चाहते कुछ हैं कि डेटा है पांचों उनके सीट पे साथ। डेटा लिखा है उसको यहाँ से कॉपी करना है? हाँ नहीं, एक मिनट, कॉपी एक साथ एक ही सीट का हो, हाँ एक साथ पांचों को कॉपी करना हो, जैसे दो एक तीन, मिनट, मतलब मल्टीपल सीट। हो गया सर? देखिए मैं एक बार दोबारा दिखाता हूँ, ठीक है? मेरे पास पांच सीट है, मैंने यहाँ पे डेट जो है इसको इसको कलर कर देता हूँ, इसको जो है ब्लू कर देता हूँ। अब मैंने पांचों सीट को सिलेक्ट किया, डेटा को कॉपी किया, और जहाँ पेस्ट करना है वहाँ भी पांच सीट होना चाहिए, और उस पांच सीट को आप सिलेक्ट करेंगे एंड देन आप पेस्ट करेंगे तो आपका पेस्ट हो जाएगा, ठीक है? और उस सीट ठीक है। का जैसे कि यहाँ देखिए सीट टू पे क्या था, येलो कलर था ना, यहाँ देखिए सीट टू पे भी येलो कलर है, ठीक है? और एक ही जगह पे कॉपी नहीं कर सकते पांच सीट का अलग अलग डेटा कॉपी करके? नहीं, पांच सीट का डेटा कॉपी होके पांच सीट पे जाएगा। आप बोलना ये चाहते हैं कि पांच सीट का डेटा कॉपी करके मैं एक सीट पे कुलेट करना चाहता हूँ, हाँ वो उसका अलग सिस्टम है सर, ओके। ठीक है? यहाँ पांच सीट का डेटा पांच सीट पे ही जाएगा सर, एक सीट पे नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़े। जी सर, जैसे कि मैं बात कर रहा था, अब बात करने जा रहा हूँ हेल्प सपोर्ट की। जैसे मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई, लेकिन क्या वो सारी चीज़ें आपको याद रहेगी? यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में आप भूल गए, लेकिन थोड़ी सी हिंट मिले तो आप वापस इसको रिकवर कर सकते हैं। तो इससे कर्सर रखिए, दिखा इसका सर, दिख गया, टेल मी मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको हेल्प में दिख जाएगा, हेल्प दिख गया सर, जी सर, इसमें देख सकते हैं चीजें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कुछ सर्च करना तो यहाँ आप सर्च भी कर सकते, वी लुकअप हो गया, सर्च कर सकते। लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं, गूगल पे जाके सर्च करते हैं ना, जी सर, गूगल पे दी गई इन्फॉर्मेशन 100% करेक्ट नहीं होती, वो हम जैसे आप जैसे लोग अपनी वेबसाइट और आर्टिकल में डालते हैं, लेकिन यहाँ जो चीजें दी गई है वो 100% करेक्ट है, प्रूफ रीड है, ठीक है? जी सर, क्लियर है? अब इसी में शॉर्टकट की बात करता हूं मैं, यहीं पे आप शॉर्टकट को सर्च कीजिए, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट एक से, ये सारे शॉर्टकट लिस्ट यहाँ पे है। मैं शॉर्टकट बहुत कम देखता हूँ, ठीक है संजय जी, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि हमने क्या प्रेस किया, लेकिन लिस्ट निकाल आप यहाँ से निकाल सकते हो, एक बार इसको कैजुअली देख लीजिएगा। एक हमारे पास होता है लिमिट, ठीक है सर, लिमिट सर्च कीजिए, तो लिमिट्स के लिए आप यहाँ देखिए लिमिट्स आ जाएगा। लिमिट्स क्या है कि किस फीचर का क्या मैक्सिमम लिमिट है, ये यहाँ आपको दिख जाता है, ठीक है? जी सर, फीचर का क्या लिमिट है आपको यहाँ पे दिख जाएगा, राइट सर? इसको आसानी से आप देख सकते हैं। आपने कल पढ़ा था इसको, इसको रिव्यू किया था हेल्प में? जी सर, चलिए अच्छी बात है, सुननी खुशी हुई कि आपने कुछ किया, इसमें काफी कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, बट वो काफी कस्टमाइज्ड है ना सारी सारी, नहीं जी, इसमें इन्फॉर्मेशन काफी अवेलेबल है, इन्फॉर्मेशन मतलब काफी सारे रेडीमेड यू नो टेम्पलेट्स अवेलेबल है, बट वो सारी कस्टमाइज्ड है सारी सारी, अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई करना। अच्छा ठीक है, उसको अपने हिसाब से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है सर? ठीक है सर। आज का जो आपको रिसर्च मिल रहा है वो मिल रहा है कि आप एक्सेल हेल्प में शॉर्टकट को देखेंगे और लिमिट्स को थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है सर, इम्पोर्टेंट है, उसको थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा, क्योंकि आगे चल के कुछ प्रॉब्लम होगी तो उस पर लिमिट्स आपको हेल्प करेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर,
तो इसके लिए मुझे कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाकर हेल्प जाना पड़ेगा ना उसके अंदर, या कहीं पे भी हेल्प नहीं, कहीं से भी, यहाँ ऊपर देखिए सर्च नहीं दिख रहा है। अच्छा यहाँ से भी मिल जाएगा, F1 प्रेस कर लीजिए, यहाँ पे भी लिमिट बोलूंगा तो लिमिट यहाँ से भी मिल जाएगा, शॉर्टकट लिमिट यहाँ से भी मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं सर, आज से तो मैं क्लास ले रहा हूँ ना सर, तो कॉल मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ सर, इसलिए आज ठीक है, ठीक है, ठीक है, कल से करते हैं और धीरे धीरे स्पीड बढ़ाऊंगा मैं, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, थैंक यू।